सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपके मिक्सर में इस तरह की आवाज़ आती है तो ऐसी आवाज़ कैसे ठीक करें, उसी को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूँ मिक्सर। अधिकतर मिक्सर में क्या होता है कि आवाज़ करने लगते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा। ये दो प्रकार की कपलर आते हैं, एक ठोकने वाले और एक कसने वाले। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कपलर कैसे हैं, कौन से ठोकने वाले हैं या आप कसने वाले हैं। तो ये कैसे पता करें आप कि ये कैसे हैं? तो ऐसे पेचकस लेना है, इसको उठाना है। अगर ये उठता ऊपर इस तरीके से, अगर उठ जाएगा एक दो बार कोशिश करिएगा तो ये ठोकने वाला है। अगर नहीं उठता तो ये समझ जाइए आप कसने वाला है। जैसे कि उठ नहीं रहा तो ये कसने वाला है। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो है कपलर, ये घुमाने वाला है, मतलब ये आटे वाला है। ये ठुककर नहीं लगेगा, ये कसाएगा। तो ये किस तरह खुलेगा? इस जगह चोट मारेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा घूमकर। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको किस तरह की चोट मारना और कैसे बाहर आएगा ये। इस तरीके से एक साफ्ट लीजिए, कूलर साफ्ट है, इस तरीके से इसको मारना है। तो आप भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसे गोल गोल घूम के हमने इसे निकाल लिए। और ये आटे वाला है, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद इसे पलटा लें। पलटाने के बाद इसके जो नट हैं, एक दो तीन और ये चौथा नट इधर है, ये चारों नट खोलना है। तो नट खोलने के बाद ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बाहर हो जाएगा। तो फटाफट से हम ये पहले ये खोल लेते हैं चारों नट, उसके बाद ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। इसके चारों नट हमने खोल लिए हैं, तो आप इसे उठा लो, इसे साइड में रख दो और इसे पलटा लो आराम से, ताकि आपके जो नट हैं एक ऐसी जगह गिरें जहाँ पेपर वेपर बिछा लें। तो आप ये देख सकते हैं ये निकल चुका है। और ये जो है हिस्सा, ये आप देख सकते हैं कि हिल रहा है ये। तो ये जो मोटर है, इस मोटर में भी नट लगे हुए हैं, एक ये दूसरा, इसे भी हम निकालेंगे तब जाके ये पूरी मोटर बाहर आएगी। मोटर बाहर आने से पहले आपको जो स्विच है, ये स्पीड स्विच है, इसे पूरा निकालना है। इधर से ये स्विच का जो बटन है, इसे बाहर निकाल लें। उसके बाद ये जो है इसे भी बाहर निकाल लें, इसे भी निकाल लें, ताकि अपनी जो मोटर है पूरी बाहर निकालना है, तभी अपन बुझ बदल सकते हैं इन मोटरों का। तो ये फटाफट से निकाल लेते हैं। हमने इसका जो स्विच निकाल लिया है, इंडिकेटर भी निकाल दिया है। ये इंडिकेटर है अंदर की तरफ है, और ये जो टामी की सहायता से, 8 नंबर टामी की सहायता से ये हम खोल रहे हैं। जो दो हमने खोल लिए हैं, इस प्रकार से ये निकल जाएंगे, इस तरीके से ये भी निकल जाएगा। 8 नंबर टामी का उपयोग करें,
ये भी निकल गया दोस्तों, इसको निकालना है हमें, तो इस तरीके से ये निकल गया। और इसके अंदर एक इस प्रकार का छर्रा रहता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से करें, ये आप देख सकते हैं। और हमने ये निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। इसे कैसे निकालेंगे, इसे हम ठोककर निकालेंगे इस जगह। किसी गोल लोहे का पाइप ले लीजिए और ऐसे रखिए, और ऊपर से चोट मारेंगे तो ये पूरा भार आ जाएगा। इस प्रकार का ये पाइप होता है। इस प्रकार से अगर आप चोट मारोगे किसी साफ्ट की सहायता से तो ये निकल जाएगा आराम से। ये आप देख सकते हैं कि कुछ हमारा निकल चुका है, लेकिन जो इसकी जो रिंग है वो अंदर ही है। इसकी जो रिंग निकालने के लिए आपको इस प्रकार का प्लायर की सहायता ले सकते हैं, या आप एक पेचकस की सहायता से ठोककर भी निकाल सकते हैं। जैसे इस वीडियो में बताया गया है कि ये ठोककर ही निकला है पेचकस की सहायता से। अभी पेचकस भी बताएंगे हम कि कैसे लगाना है पेचकस। उस तरीके से आप करोगे तो इसकी जो रिंग है बाहर आ जाएगी और आप नया बुच इसमें लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप ये बड़ा पेचकस है, और इस तरीके से आपको इसे लगाना है और इसे ठोकना है हथौड़ी की सहायता से या किसी और चीज़ की सहायता से ठोकना है तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर हम नया बुच लगाएंगे, तो बुच लगाएंगे इस प्रकार से। ये देख सकते हैं कि ये नया बुच है, और आप ये बुच इस तरीके से लगाएं। उसके बाद में ये हथौड़ी की हथौड़ी और अपने पेचकस की सहायता से इधर चोट मारेंगे तो ये फिट हो जाएगा। इसे सीधा कर दें, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो बुच है वो लग चुका है हमारा। इसमें जो पहले आवाज आ रही थी खरखर की, या इसमें जो बुच कट गया था उसकी आवाज आ रही थी, तो वो नहीं आ रही अब। ओनली मिक्सर की जो मोटर चलती उसी की आवाज आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मेरा एक और चैनल है MD टेक टेक्निकल के नाम से, इसमें डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा, उसमें भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरी वीडियो रहती है, तो उसे भी जिस प्रकार से इस चैनल को प्यार दिया है आप सभी ने, तो